लोगों को मेट्रो से फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 बिलियन रुपीस है। टोटल 16 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी गिनती भारत के धनी, समृद्ध व व्यापारिक राज्यों में की जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी में बने भोपाल मेट्रो का कुछ सेक्शन बनकर पब्लिक के लिए ऑपरेशनल हो गया है, जो लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, फास्ट ट्रेवल, टाइम सेविंग एंड रोड ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सो चलिए जानते हैं भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन एंड अपडेट के बारे में। दोस्तों, भोज मेट्रो यानी कि भोपाल मेट्रो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जा रहा है और ये फ्यूचर में 6 कॉरिडोर के अंडर 104.87 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन अभी भोपाल मेट्रो को पहले चरण में 28 किलोमीटर का 2 लाइन्स ऑरेंज एंड ब्लू में डिवाइड करके डेवलप किया जा रहा है, जिसमें काफी सेक्शंस एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 बिलियन रुपीस है, जिसको फंड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। दोस्तों, ऑरेंज लाइन का वर्क तेजी से किया जा रहा है। इस लाइन में करौंद चौराहा से एम्स तक टोटल 16 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। इस फेज की टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, जिसमें सुभाष नगर से एम्स तक 6.2 किलोमीटर के सेक्शन का वर्क ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और इसको मार्च 2024 में चालू करने की उम्मीद है। बाकी के 8.8 किलोमीटर के सेक्शन का वर्क किया जा रहा है, जिसको शायद 2024 के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाए। दोस्तों, ब्लू लाइन अप्रूव्ड हो चुकी है, जो बनेगी भदभदा चौराहा से रतनगिरी तिराहा के बीच। इसकी टोटल डिस्टेंस 13 किलोमीटर होगी। इसके अंडर इन फ्यूचर में 13 स्टेशन बनेंगे। दोस्तों, इन दोनों लाइन्स के बनने के बाद भोपाल रोड ट्रांसपोर्ट कम होगा, लोगों को मेट्रो से फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, यहां का ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी फास्ट हो पाएगी, इन एरियाज में नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश होंगे जिनसे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और शहर की ग्रोथ तेजी से होगी। दोस्तों, भोपाल मेट्रो की तरह ही इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य चल रहा है, जिनके बारे में जानने के लिए कमेंट में यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।